हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से सुखड़ी की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सुखड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा कप घी ले लिया है। पैन में घी ऐड करें। एक कप गेहूं का आटा ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लें। गेहूं के आटे को घी में अच्छे तरह से रोस्ट कर लें, लो टू मीडियम फ्लेम पर। आटे को लगातार चलाते हुए भून लें जब तक इसमें बढ़िया से खुशबू ना आने लग जाए और इसका कलर ना चेंज हो जाए। और एक प्लेट को मैंने घी से ग्रीस करके रख लिया है। आटा अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें एक कप गुड़ ऐड करें। दो चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करेंगे, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। गुड़ को मेल्ट होने तक अच्छे से मिक्स कर लेना है। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है और ये अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसे घी से ग्रीस को ही प्लेट में निकाल लेंगे और सेट कर लेंगे। अच्छे से दबाते हुए सेट कर लेंगे। अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब इसे 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए ऐसे ही रख देंगे। अब ये सेट हो चुकी है, इसमें कट लगा लेंगे। अब इसके पीसेस निकाल लेंगे। आटे से बनी सुखड़ी रेडी है।